तो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप भी अपने कैपकट एम में HDR वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको HDR वीडियो सिंपल वीडियो एडिटिंग करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल आपने क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे आना, जहाँ से कोई भी वीडियो वगैरह सेलेक्ट कर लें। जहाँ से सिंपल हम एक अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ये वीडियो ले लिया हमने, तो सिंपल आपने सबसे पहले एंडिंग पे आना है। एंडिंग स्क्रीन इसकी डिलीट कर देनी है, उसके बाद आपने इसकी वॉल्यूम को म्यूट कर लें। तो म्यूट करने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल वीडियो है, कोई इफेक्ट वगैरह ऐड नहीं है। तो हम इसके ऊपर इफेक्ट ऐड कर आपको चेक करवाएंगे। तो सिंपल आपने आना है इफेक्ट के ऑप्शन, वीडियो इफेक्ट पे आना है। वीडियो इफेक्ट पे आते हैं तो सिंपल आपको इस तरफ आ जाना है, जहाँ आपको मिल जाता है कॉर्नर में, तो जहाँ आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, तो नीचे आएंगे तो सिंपल आपको ये मिल जाता है BNW और COM1। तो सिंपल आपने इसको अप्लाई कर देना है, ओके करना है। ओके करने के बाद फिंगर के मदद से आपने इसको फुल वीडियो पे अप्लाई कर देना है इस तरह से। उसके बाद आपने एक और इफेक्ट ऐड करना है, तो सिंपल आपने आना है जहाँ वीडियो के ऑप्शन पे, वीडियो इफेक्ट पे आएंगे तो सिंपल आपने बेसिक के ऑप्शन पे आ जाना है। तो नीचे आएंगे तो आपको मिल जाता है ब्लर का ऑप्शन, तो सिंपल आपने ब्लर को अप्लाई कर देना है। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन स्टेटस की ड्यूरेशन के साथ मिला देनी है। तो इस तरह से आपकी एक वीडियो बन चुकी है। इसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है, तो सिंपल हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद सिंपल आपको आगे का स्टेप बताते हैं। तो सिंपल ये सेव हो गई है, उसके बाद आपने ऊपर से जहाँ से बैक करना है और जहाँ आएंगे तो सिंपल आपने ये पहले इफेक्ट पे क्लिक करना है, जहाँ रिप्लेस इफेक्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। तो उसके बाद आपने फिर उसी ऑप्शन में चले जाना जे वाले में, और नीचे आएंगे तो आपको नॉन मिल जाता है, तो जहाँ से ये अप्लाई कर लें। उसके बाद ब्लर को ऐसे ही रहने दें। उसके बाद इसको भी आपने अपने गैलरी में सेव कर लेना है। तो ये हम इसको अपने गैलरी में सेव कर आपको चेक करवाते हैं। तो ये दोनों वीडियो हमने सेव कर लिया। उसके बाद आपने ऊपर से जहाँ से बैक करना है, बैक करने के बाद सिंपल ये दोनों इफेक्ट को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद आपको नीचे मिल जाता है ओवरले, तो सिंपल आपने ओवरले पे आना है, ऐड ओवरले पे आना है, और यहाँ से पहले वाली वीडियो को आपने अपने को अप्लाई कर लेना है इस तरह से। फिंगर की मदद से इसको फुल अप्लाई कर दे वीडियो के ऊपर। उसके बाद आपने सप्लाइज के ऑप्शन पे आना है। सप्लाइज के ऑप्शन पे आने के बाद सिंपल आपने इस तरफ आना है, इस तरफ आपको मिल जाता है जहाँ से ये बर्न वाला, तो सिंपल आपने बर्न वाले पे अप्लाई करने के बाद इसको आपने 50 रख लें। आप अपने वीडियो के हिसाब से भी इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से 50 कर दिया, उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद सिंपल आपने फिर ऐड ओवरले पे आना है। ओवरले पे आने के बाद ये सेकंड वीडियो को अपने को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको फुल ऐसे स्क्रीन कर लें इस तरह से। उसके बाद आपने सप्लाइज के ऑप्शन पे आना है, जहाँ आपको मिल जाता है ये डार्क, तो सिंपल आपने इसको अप्लाई कर लेना है। कम करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी। आपने इसको अपनी वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है इसकी एडजस्टमेंट। ये ज़्यादा ब्लैक में हो जाएगी, आप प्ले कर देख लें, तो आप जितनी रखना चाहें रख ले। तो सिंपल हम इसको रख लेते हैं 70 के करीब करीब, तो 70 कर लेते हैं। उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपकी वीडियो बन चुकी है। आपको जहाँ से सेपरेट कर चेक करवा देते हैं, तो जहाँ से हम दोनों वीडियो को सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद आफ्टर एंड बिफोर दिखा देते हैं कैसी वीडियो बनी है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपको पहले वाली सिंपल वीडियो इस तरह से थी, उसके बाद ये इस तरह से हमने एडिट कर लिया। उसके बाद आपने ऊपर आना, जहाँ क्लिक करेंगे तो इसको एक्सपोर्ट कर लिया अपनी गैलरी में। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना।